कबीरवड़। 14वीं सदी में एक मंगलेश्वर गांव, जहां दो ब्राह्मण जीवा और तत्व ने मिलकर नर्मदा नदी के किनारे दोनों ने बहुत ही धार्मिक भाव से एक सूखी डाली जमीन में लगाई और संकल्प किया ये डाली फल फूल कर एक दिन बड़ा विशाल बड़ का वृक्ष बन जाएगी। समय बीतता गया, कई साल गुजर गए, दोनों ब्राह्मण वृद्ध होने लगे, लेकिन वो डाली सूखी की सूखी ही रही। आसपास के लोगों को भी अब यह चिंता होने लगी। फिर किसी गांव वाले ने बताया कि काशी नगरी में एक तेज पूज्य संत कबीर साहब रहते हैं। फिर क्या था, गांव के 5 संत मिलकर काशी पहुंच गए। संत कबीर साहब को मिले और मिलकर अनुभव हुआ कि ब्राह्मण जीवा और तत्व का कार्य कबीर साहब पूरा कर सकते हैं। 5 संत ने कबीर साहब को सारी बात बताई और गांव आने का आग्रह किया। कबीर साहब ने उनकी बात का सम्मान किया और गांव आने के लिए तैयार हो गए। जब दोनों ब्राह्मण को पता चला कि कबीर साहब आ रहे हैं, दोनों ने बड़े धर्म भाव से उनका स्वागत किया। नर्मदा नदी के जल से उनके चरण धोए, चरणामृत लिया और बाकी का जल उसी सूखी डाली में सींच दिया। देखते ही देखते वहां खड़े 5 संत, गांव वाले और दोनों ब्राह्मण के सामने सूखी डाली खिलने लगी। ये देखकर सभी खड़े लोग कबीर साहब के चरणों में आए और शिष्य बन गए। आज वो सूखी डाली भरूच से 19 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के किनारे एक विशाल वड़ के रूप में मौजूद है, जिसे कबीर वड़ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पहुँचने के लिए नाव का सहारा लिया जाता है। ऐसी ऐतिहासिक धार्मिक जगह के वातावरण को एक बार जरूर अनुभव करना चाहिए। यहाँ कबीर साहब का एक मंदिर भी है, जो यहाँ के वातावरण में शांति का अनुभव कराता है। आज हम उसी जगह को देखेंगे।